तोहरा कारण हमा बाप महा तारी ते जानी तोहके ते जता मोहिया लागे सब खिनाऊ। रामा जी से बहरी भाईले कारी रे बादरिया। आप देख सकते हैं ये पुरानी परंपराएं हैं जो अद्भुत रूप से और सबको प्रसन्नचित करने वाली ये तस्वीर होती है, जहां गांव देहात में आज भी ये परंपरा जीवित है। क्योंकि आधुनिक युग में अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन अभी भी गांव देहात में रोपनी करते समय महिलाएं अपने हाथों से रोपनी करती हैं और एक से एक पारंपरिक गीत गाती हैं जो हर किसी को प्रसन्नचित करता है। ये महिलाएं रोपनी कर रही हैं, हम बात करेंगे कितना इन लोगों के खास होता है इन लोगों के लिए ये दिन। क्या नाम है आपका? मनाकिया जी। अच्छा, कहाँ रोपनी कर रही है, कौन सा गाँव है? धर्मपुर है। अच्छा, कैसा अभी गीत गा रही थी, थोड़ा सा सुनाइए। रोपनी के गा रहे। हाँ, कैसन गाओ तो नहीं सुनाए। रामा जी से बहरी भाईले कारी रे बादरिया से के कारा से बहरी मरे बाला मुए सुदामा जी। ये पुरानी परंपरा हर किसी को मोहित करती है। ये मनोहारी गीत महिलाओं के मुख से निकली ध्वनि हर किसी को खूब भाती है। बढ़िया लगेला, सुहावन लगेला, सुहावन लगेला। सावन के सुहावन है ना, ये रोपनी के गीत है। अच्छा, सावन के सुहावन है, रोपनी के गीत है। तो मारे जीती मारे फूटेला तुहे रे सजना। तो ये आप देख रहे होंगे महिलाओं की गीत है, कितना सुंदर लग रहा है। और पुरानी परंपराओं की ये अद्भुत झलक कितना मनोहारी लग रहा है। देखिए, हमारे साथ एक महिला है, रोपाई कर रही है। क्या नाम है? सीमा। अच्छा, कितने वर्षों से रोपनी करती हैं? 30 साल से। तो कुछ गीत भी गाती हैं क्या, पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई? गावा पानी। हाँ, गाई। पाकी रे साला किया पर पातर छलागे ना खेले, अरे हाथे तीतीला मुखे पाना सावा खिनाओ। तोहरा कारण हमा बाप महा तारी ते जानी तोहके ते जता मोहिया लागे सावा खिनाओ। ये क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश जी, आप रोपनी कर रहे हैं? नहीं, रोपनी नहीं कर, रोपनी करवा रहे हैं। अच्छा, ये आपका खेत है? हाँ, मेरा ही खेत है। कितना किसानी से खुश हैं आप? किसानी से तो हम लोग का जीविका चलता है, जो है कि अच्छा। इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। ये आप देख सकते हैं, इसे ये धान पहले खेतों में बोया जाता है और थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उखाड़ करके और इसकी रोपनी की जाती है। कैसे लिया जाता है इसको? अच्छा, इतना ले करके और यहाँ धरती में गाड़ दिया जाता है। अब मतलब दोबारा करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर करने हैं। अच्छा, मतलब एक एक बीता की दूरी पर। ये आप देख सकते हैं, ये पाउडर क्रीम में लबा लब, ये एक अनोखी परंपरा है जो गीत पारंपरिक गीत से शुरू होती है इसकी कहानी और हर किसी के लिए मनोहारी बन जाती है। डॉक्टर शिव कुमार सिंह कौशिक के इतिहासकार एक कहावत कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन और वैसा बने तन। हमारे अन्नदाता किसान और ये जो कामगार हैं, जो महिलाएं देख रहे हैं, ये इस उमस भरी गर्मी में जो धान की रोपनी कर रही हैं, इसके साथ रोपनी का गीत गाया जाता है। और ये जो गीत होते हैं इसका बड़ा महात्म्य है। इन गीतों में आप देखेंगे वो कभी भगवान को स्मरण करेंगे, राम को स्मरण करेंगे, कभी अपने परिवार अपने पति का स्मरण करेंगी और इस प्रकार से हर्षित होकर के हंसते खेलते गाते नाचते हुए जब अन्न उगाया जाता है तो उसमें वो जो प्राण आते हैं उससे पौधे जल्दी तैयार होते, उसमें फसल भी अच्छी आती है। ये इसका महात्म है, ये रोपनी के गीत है। उससे इसका पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, खेत पर भी प्रभाव पड़ता है और जब यह फसल तैयार होती है तो उसे खाने वाले लोगों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पॉजिटिव एनर्जी पास करती है। यही रोपनी का महात्म है, इस रोपनी के गीतों का महात्म है। ये हमारी परंपरा है।